प्रिय छात्रों, हार्दिक स्वागत है आपका। आज आपको हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2010 में आ चुकी है। इसके अतिरिक्त यह प्रॉब्लम परसेंटेज से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? और आपको ये चार विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प छांटना है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु का पहले मूल्य कुछ रहा होगा, उस पर पहले तो 10% की वृद्धि कर दी गई जो पहला वाला मूल्य था, फिर जो 10% मूल्य बढ़ाने के बाद नया मूल्य बना उस पर फिर से 20% की वृद्धि कर दी गई, और ऐसा करने के बाद उस वस्तु का मूल्य जो है वो 33 रुपया हो जाता है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि वस्तु का प्रारंभ में मूल्य कितना था, 10% वृद्धि करने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। तो जिस प्रकार से आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल करते हैं, आपका उसमें सूत्र होता है ए बराबर पी 1+R/100n। यहाँ पर आपका पी जो होता है वह मूलधन होता है, और ए जो होता है वह मिश्रधन होता है, आर जो होता है ब्याज की दर होती है, और एन जो होता है समय होता है। बिल्कुल इसी के आधार पर आपका ये सूत्र बना है जो इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं। पी माने प्रारंभिक मूल्य, ए माने अंतिम मूल्य, आर माने वृद्धि की दर। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल होते हैं तो उनमें प्रायः वृद्धि की दर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक समान रहती है, कभी कभी बदलती भी रहती है, तो उसका फिर सूत्र बदलता रहता है। लेकिन इस तो इसलिए एन अगर मान लीजिए 3 वर्ष तक एक सी दर रही, तो यहाँ पर हम एन का मान 3 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार मूल बढ़ा, फिर दूसरी बार फिर मूल बढ़ा, फिर तीसरी बार फिर मूल बढ़ा, या मान लीजिए घटा। अगर मूल घट रहा होता है तो यहां पर हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। तो यहां पर जो है हम एन न लगाकर एक वर्ष में पहली बार आर परसेंटेज बढ़ रहा है, आर प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, तो हम कर देंगे ए बराबर पी इंटू 1+R/100। और दूसरे वर्ष में मान लीजिए R2% बढ़ा, तो इसमें कर देंगे हम 1+R2/100। और तीसरे वर्ष में मान लीजिए R3% घट जाता है, तो इसके आगे लिखा जाएगा इंटू 1-R3/100। तो इस प्रकार से सूत्र बनते रहते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सूत्रों की सहायता से सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। एक ही सूत्र होता है, उससे कई सूत्र बन जाते हैं। तो आज का आपका जो प्रश्न है उसके हिसाब से जो सूत्र बनेगा वो ये बनेगा, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य गुणा 1+R1/100 × 1+R2/100। यहां पर n माने अंतिम मूल्य जो आपको दिया हुआ है 30 रुपया। आपको अंतिम मूल्य कितना दिया हुआ है 33 रुपया, और R1 माने पहली वाली वृद्धि की दर। तो R1 का मान आपको दिया हुआ है 10%, और R2 माने दूसरी वृद्धि की दर, तो R2 आपको दिया है 20%। तो इस सूत्र के अंदर 1, 2, 3, 4 राशियां अज्ञात हैं। यदि इसमें हमारे लिए 3 राशियों के मूल्य किसी प्रकार से ज्ञात हो जाएं, तो चौथी अज्ञात राशि का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे लिए अंतिम मूल्य 33 रुपया ज्ञात है, और R1 का मान 10% ज्ञात है, और R2 का मान 20% ज्ञात है। कहने का मतलब है इन 4 राशियों में हमें 3 राशियां ज्ञात हैं। अब शेष जो राशि बची वो बची हमारी प्रारंभिक मूल्य, उस राशि को हमें ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में जब सभी राशियों के मान यथा स्थान प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे, और फिर वो एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा आपको। उस समीकरण को जब आप प्राप्त सॉल्व करेंगे, तो उसके सॉल्व करने के बाद आपको चौथी जो अज्ञात राशि शेष बची थी उसका मान मालूम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अंतिम मूल्य की जगह तो लगा दिया 33
रुपया, यहाँ पर रुपया लिखते नहीं है, लिख दीजिए आप तो कोई नुकसान नहीं है, और यहाँ पर लिख दिया हमने प्रारंभिक मूल्य क्योंकि आपको याद करना है, और इंटू वन प्लस आर वन के स्थान पर लगा दिया 10 और बटे 100 सूत्र का लग गया, और इंटू वन की जगह बना गया आर टू की जगह लगा दिया 20 बटे 100। इस प्रकार से इस सूत्र के अंदर एक तो हमने इसका मान लगा दिया, एक इस अज्ञात राशि का मान लगा दिया, एक इस ज्ञात राशि का मान लगा दिया। अब ये एक राशि रह गई आपकी, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ये आपकी समीकरण बनकर तैयार हो गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको समीकरण सॉल्व करना आती है तो आपका प्रश्न आगे बिल्कुल सही जाएगा। तो मैंने सॉल्व करके दिखलाया है, LHS में 33 के स्थान पर 33 आ जाएगा, RHS में प्रारंभिक मूल्य के स्थान पर प्रारंभिक मूल्य लिख देंगे, और यहां पर इस जीरो से जीरो काट देंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आपको प्राप्त होगा 11/10। क्लियर? और यहां पर इस जीरो से जीरो काट दिया जाएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 12/10। तो इस प्रकार से आपको एक समीकरण यह बनती है 33 बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 11/10 इंटू 12/10। अब ये आपकी जो अज्ञात राशि हो गई, वो समीकरण प्राप्त हो गई आपको, इसमें आपको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो ये दोनों राशियां जो हैं ये तो 33 के साथ गुणा में आ जाएंगी, और ये जो 33 के और इन दोनों राशियों का गुणनफल आएगा उसके हर में पहुंच जाएंगी। तो ये आपको मूल प्राप्त हो जाएगा प्रारंभिक मूल बराबर 33 × 10 × 10 बटे 11 × 12। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए 33 तो आपका ये लिखा हुआ है, और जो आपका प्रारंभिक मूल है उसे हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, और आपको ये 11/10 लिखे हुए हैं ये आपने ये लिख लिए, और ये आपके 12/10 लिखे हुए हैं ये आपके ये लिखे हुए हैं। अब इस समीकरण को आपको हल करना है, तो हल करने का मतलब x का मान निकालना है, तो इसके नीचे हम एक मान लेंगे, कैच की गुणा करेंगे हम, जब कैच की गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हम पहले लिख ले रहे हैं, ये गुणनफल बाद में लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे 11 × 12 एक्स बराबर 33 × 10 × 10। अब ये राशि जो है वो RHS के हर में पहुंच जाएगी, तो आपको x बराबर प्राप्त हो जाएगा 33 × 10 × 10 बटे 11 × 12। ये क्रिया मैंने आपको करके नहीं दिखलाई थी, जो मैंने अब करके दिखला दी है। ये क्रिया आप करिए मत, आप बीच की कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कभी कभी जिनको छोड़ दिया जाता है, यदि एक एक लाइन लिखी जाएगी तो प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम खर्च होगा। तो ये आपको अभ्यास होना चाहिए कि किस प्रकार से लाइनें छोड़ी जा सकती हैं, जिस प्रकार से कि जिससे कि हमारा प्रश्न आसानी से हो सके और समय बच सके। तो हमने लिखा प्रारंभिक मूल बराबर 33 × 10 × 10 बटे 11 × 12। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे कर लेंगे, वैसे ही आपको वस्तु का प्रारंभिक मूल्य मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया हमने, 11 से काटा, 11 × 3 = 33, और इससे काट दिया 3 × 4 = 12, और ये आपके हैं 10 × 2 = 100, तो इसको ले सकते हैं आप 100/4, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा 25। इस प्रकार से आपको मालूम होता है, प्राप्त होता है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बराबर 25 रुपया। तो आप लिख दीजिए प्रारंभिक मूल बराबर 25 रुपया, और आप लिख दीजिए डी विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, केवल आपको संबंधित सूत्र मालूम होना चाहिए, और गणित की क्रियाएं करने के जो नियम है उन नियमों को आपको स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न की भाषा पढ़कर यह आपको समझ में आना चाहिए, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा गया है, और उस अज्ञात राशि के मान निकालने के लिए हमें किन किन सूत्रों का प्रयोग करना होगा। यदि सभी बातों की आपकी जानकारी है तो आपका प्रश्न 100% सही जाएगा। आज का प्रश्न पूरा होता है। आज जितना मुझे बतलाना था आपको वो मैंने प्रश्न को हल करके दिखला दिया, बतला दिया। शेष बात फिर अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।